सब्सक्राइब कीजिए सोनल की रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको तिल के लड्डू की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये तिल के लड्डू हम खोए के साथ बनाएंगे। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे, भाई ये खोया क्या होता है? दोस्तों, जब आप दूध को खूब सारा रिड्यूस करके एक थिक फॉर्म में लेकर आते हैं, उसे हम खोया बोलते हैं। तो ये तिल के लड्डू हम खोए के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ईजी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है सोनल, आप आए हैं सोनल की रसोई में, चलिए शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तिल ली हुई है और ये बिल्कुल साफ सुथरी तिल है क्योंकि इसे मैंने साफ कर लिया है। और तिल को कैसे साफ करना है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अब एक पैन ले लीजिए, यहाँ पर मैंने 50 ग्राम तिल ली हुई है, 50 ग्राम तिल ली हुई है। ये जो तिल है हल्की सी मॉइस्ट है तो इसे भूनना बहुत जरूरी है। और जब आप इसे भूनेंगे ना तो इसमें से चट आवाज़ आती है, वो इसलिए क्योंकि तिल में मॉइस्चर है और जब वो हीट के कांटेक्ट में आता है तो वो उछलते हैं, और जब वो उछलते हैं तो हो सकता है आपकी आंखों को नुकसान पहुंचे। इसलिए जब भी आप तिल को भूनें तो ये ध्यान रखें कि आप एक चश्मा या फिर गॉगल ज़रूर पहन लें अगर आप बिगिनर्स हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब तो ये आपके बाएँ हाथ का खेल है। तो जब इसमें से चट आवाज़ आना बंद हो जाए, ये इंडिकेशन होता है कि आपकी जो तिल है अच्छे तरीके से भुन चुकी है। जब तिल भुन जाएगी तो वो फूल जाती है और वो स्प्लटर हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ये देखिए, हमें इतना गोल्डन ब्राउन करना है और हमारी तिल अच्छे तरीके से भुन चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये हमारी जो तिल है ओवर कुक ना हो जाए, ज़्यादा ना भुन जाए, जल ना जाए। प्लेट में निकाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे। गरम तिल से हम लड्डू नहीं बनाएंगे। भूनने के बाद तिल को ठंडा कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 50 ग्राम चीनी। जितनी हमने तिल ली थी उतनी ही मैंने चीनी ली हुई है। अब इस चीनी को हम बारीक पीसेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, चीनी हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। आप इस चीनी को पीस लीजिए, पर ध्यान रखें आप अपनी फिंगर्स की मदद से इसे टच करके देखिए, बिल्कुल महीन होनी चाहिए। अगर दरदरी होगी ना तो लड्डू खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी जो चीनी है बिल्कुल महीन पीसे। अब एक पैन ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम खोया। ये देखिए किस तरीके का दिखता है ये खोया। अब हम खोए को हल्का भून लेंगे। अभी ये खोया सूखा हुआ है लेकिन जब हम इसे भूनेंगे ना तो ये गीला हो जाता है अपने आप। अगर आपका नहीं होता है तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध के भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा जो खोया है अच्छी तरीके से भुन चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ये खोया भुन चुका है, चीनी पिस चुकी है और तिल भी हमारी भुन चुकी है। पर तिल भुनने से मतलब नहीं है सिर्फ। हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमने चीनी पीसी हुई है ना उस जार को हम खाली करेंगे। अब उसी जार में हम पीस लेते हैं हमारी तिल। जी हाँ, तिल को हम पीसेंगे, लेकिन तिल को बिल्कुल महीन या बारीक नहीं पीसना है। तिल को हम दरदरा पीसेंगे। दरदरा जब तिल के हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस लड्डू में खाने में आते हैं ना मुँह में, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए इस तरीके से दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसना है। अब ये तिल पिस चुकी है तो इसे हम चीनी के साथ मिक्स कर देंगे। कई लोग इसमें इलायची पाउडर भी डालना पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है तिल की अपनी खुद की एक अलग खुशबू होती है। इसमें इलायची पाउडर डालने से हम तिल की खुशबू को कम कर देंगे, इसलिए मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। चीनी और तिल को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम खोया भी डाल देंगे और खोए को इन सब चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। जब आप खोए को तिल और चीनी के साथ मिक्स करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो ये मिक्सचर फॉर्म हुआ है ना, ये ऐसा मिक्सचर फॉर्म हुआ है कि इससे आप आराम से लड्डू बना सकते हैं। बस ध्यान रखें जब आप लड्डू बनाएं तो हल्के प्रेशर के साथ बनाएं, थोड़ा प्रेशर देकर बनाएं ताकि आपके जो लड्डू हो वो आसानी से और इजीली बाइंड हो जाएं।
इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा प्रेशर देके इन्हें बाइंड करें। ये देखिए हमारा एक लड्डू बनके बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए मैंने ये सारे लड्डू बना लिए हैं और इतने सामान में हमारे टोटल 10 लड्डू बनके रेडी हो गए हैं और ये कितने सुंदर और परफेक्ट दिख रहे हैं। मैंने यहाँ पर खोए वाले लड्डू के साथ गुड़ वाले लड्डू भी बनाए हैं, साथ में चिक्की भी बनाई है तिल की। अगर आप इन दोनों चीज़ों की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगी। तो दोस्तों आपको ये खोया और तिल के लड्डू कैसे लगे मुझे लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बड़ी ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसान है ये लड्डू बनाना। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।